वैक्यूम टेट्रोड। वैक्यूम टेट्रोड जिसमें चार इलेक्ट्रोड कंबाइन होती हैं, एक कैथोड जो कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है, अनदर एनोड जो कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, कंट्रोल ग्रिड और स्क्रीन ग्रिड उन्हें पाथ प्रोवाइड करती हैं जो कि एनक्लोज होती हैं एक वैक्यूएटेड ग्लास में, उसे वैक्यूम टेट्रोड कहा जाता है। वैक्यूम, अगर हम वैक्यूम ट्रायोड की बात करें, वैक्यूम ट्रायोड में एक लिमिटेशन प्रोड्यूस होती है जो प्लेट और ग्रिड के बीच में कैपेसिटेंस होता है। हाई फ्रिक्वेंसी के कारण कभी वो भी फीडबैक हो जाता है, जिस कारण हम इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं प्लेट और ग्रिड के बीच में, जिसको स्क्रीन ग्रिड कहा जाता है और इसी को ही वैक्यूम टेट्रोड कहा जाता है। वैक्यूम ट्रायोड के बारे में जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए वैक्यूम ट्रायोड। अब हम वैक्यूम टेट्रोड की बात करते हैं जिसमें कि फोर इलेक्ट्रोड्स कंबाइन है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, इसका आउटर पार्ट एज एनोड की तरह वर्क करता है, जो कि प्लेट को हम प्लेट भी कह सकते हैं। इसका इनर पार्ट कैथोड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करने का काम करता है, जिसके अंदर हीटर कंबाइन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है, हमारी कैथोड को हीट करता है। कैथोड के आउटर साइड पे हमारा कंट्रोल ग्रिड होता है जो कि फाइन वायर्स से कंसिस्ट होता है और जो कि हमारे प्लेट करंट को मैनेज करता है। और इसकी आउटर साइड पे एक और ग्रिड का यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं स्क्रीन ग्रिड। ये स्क्रीन ग्रिड हमारे इलेक्ट्रॉन्स को फीडबैक से रोकती है। अगर हम वैक्यूम टेट्रोड के सिंबल की बात करें तो हमारे वैक्यूम टेट्रोड का सिंबल कुछ इस तरह से शो करता है। ये हमारी एनोड है, डाउन साइड पे हमारा कैथोड है और हीटर के साथ कंबाइन होता है, और बीच में एक ग्रिड है जिसको हम कंट्रोल ग्रिड कहते हैं, जिसको G1 से डिनोट करते हैं, और अनदर ग्रिड जिसको स्क्रीन ग्रिड कहते हैं और उसको G2 से डिनोट कर। हमारे वैक्यूम टेट्रोड में जो हमारा स्क्रीन ग्रिड होती है यानी कि G2, उसका मेन पर्पस होता है हमारे इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करना जो हमारे प्लेट और कंट्रोल ग्रिड के बीच में होती है, और उनकी कैपेसिटेंस को रिड्यूस करना। स्क्रीन ग्रिड में टू कैपेसिटर्स कंबाइन होते हैं, कैपेसिटर 1 जो कि प्लेट और स्क्रीन ग्रिड यानी कि G2 के बीच में कंबाइन होता है, और कैपेसिटर 2 जो कि स्क्रीन ग्रिड और कंट्रोल ग्रिड के बीच में कंबाइन होता है। इसके अगर हम इसकी कैपेसिटेंस के बारे में बात करें तो उसकी टोटल कैपेसिटेंस होती है CpG यानी कि कैपेसिटेंस प्लेट से जो ग्रिड के बीच में होती है, इसको हम डिनोट करते हैं C1 × C2 / C1 + C2 से। ये हमारे कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर देती हैं। स्क्रीन ग्रिड जो कि जिसका कैपेसिटेंस सी और कैपेसिटर पी और जी के बीच में, यानी कि प्लेट और ग्रिड के बीच में जो पहले कैपेसिटेंस होता है वो 2 to 10 pF का होता है, जो कि उसे रिड्यूस करके 0.01 pF का कर देता है, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन को एक पाथ प्रोवाइड करता है और हमारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में हेल्प। अगर हम अपने वैक्यूम टेट्रोड में कंट्रोल ग्रिड यानी कि जो हमारे G1 है उसको हम स्मॉल नेगेटिव पोटेंशियल दें विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, और प्लेट को हाई पॉजिटिव पोटेंशियल दें, 300 वोल्ट का पोटेंशियल जो हमने प्लेट को दिया हुआ है, और ग्रिड 2 यानी कि स्क्रीन ग्रिड को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है, जो कि स्क्रीन ग्रिड का काम जो कि हमारा जो हमारा करंट स्क्रीन ग्रिड पे फ्लो होता है उस करंट को हम स्क्रीन ग्रिड करंट कहते हैं, और जो कि प्लेट करंट को रिड्यूस करती है और हमारे इलेक्ट्रॉन्स को फीडबैक होने से रोकती है और हमारी कैपेसिटेंस को भी रिड्यूस कर देती है। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं तो स्क्रीन ग्रिड उन्हें फीडबैक होने से रोकती है, जिससे हमारा सारा सिग्नल एम्पलीफाइड होता है और उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आती। लेकिन जो हमारा स्क्रीन ग्रिड है वो हमारे कंट्रोल ग्रिड यानी कि जो हमारे स्क्रीन ग्रिड G2 है वो हमारे कंट्रोल ग्रिड G1 को कंट्रोल नहीं करती, लेकिन हमारे कंट्रोल ग्रिड एनोड के करंट को कंट्रोल ज़रूर करती है, यानी कि प्लेट के करंट को कंट्रोल करती है। हमारे वैक्यूम टेट्रोड में भी कुछ लिमिटेशंस प्रोड्यूस होती हैं।
जो वैक्यूम टेट्रोड है उसमें जो लिमिटेशंस प्रोड्यूस होती हैं उसको डायनेट्रॉन इफेक्ट बोलते हैं। डायनेट्रॉन इफेक्ट में जो प्लेट करंट होता है, जो प्लेट पोटेंशियल होता है, वो हमारे स्क्रीन ग्रिड से जब कम हो जाता है, यानी कि स्क्रीन ग्रिड का पोटेंशियल प्लेट पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाए, उस टाइम पे जो हमारे कैथोड जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे स्क्रीन कंट्रोल ग्रिड स्क्रीन ग्रिड से मूव करते हुए एनोड की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जब हमारा प्लेट पोटेंशियल कम हो जाता है स्क्रीन ग्रिड से, तो हमारे इलेक्ट्रॉन एनोड से दोबारा एमिट होने लग जाते हैं और सेकेंडरी एमिशन करते हैं। एनोड से दोबारा इलेक्ट्रॉन एमिट होने को सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं। और ये इसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे स्क्रीन ग्रिड की तरफ यानी G2 की तरफ बैक मूव करने लग जाते हैं, और इस इफेक्ट को हम डायनेट्रॉन इफेक्ट बोलते हैं। इसमें जो प्लेट पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है, और इस फिनोमिना को जो हमारी रिड्यूस कर देती है प्लेट करंट को, इसको डायनेट्रॉन इफेक्ट बोलते हैं, जिससे हमारा जो आउटपुट सिग्नल यानी कि जो एम्पलीफाइड सिग्नल होता है उसमें डिस्टॉर्शंस आ जाती है, वो डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिलता है जो हमें प्रॉपर नहीं मिलता। यह हमारे वैक्यूम टेट्रोड। थैंक यू।